आइए हजरात ग्रामी, अब मैं एक बड़े शायर तक पहुंचने की जसारत करता हूं। पूरे तमहीद और पूरे तारुफ के साथ इस वक्त मैं नहीं उठाऊंगा, मैं सीधे सीधे अली जनाब ताबिस रेहान साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो आए और डिरिक्स स्पोर्टिंग क्लब के हवाले से एक नज्म आली जनाब इमरान सागर साहब, एक साहिब कलम आली जनाब इमरान सागर साहब ने लिखा है और वो नज्म आली जनाब ताबिस रेहान साहब पढ़ेंगे। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तख्त पर है जान नमाज और रहल पर कुरान है। एक मरतबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तख्त पर है जान नमाज और रहल पर कुरान है, तख्त पर है जान नमाज और रहल पर कुरान है। मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है, सिर्फ एहसासे ने दामत एक सज्दा चश्मे पर, ऐ खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो बहुत आसान है। हजरत अस्सलाम वालेकुम, ये नातिया मुशायरा है और मैं जानता हूँ कि यहाँ क्या पढ़ना है, मुझे भी बाद में पढ़ना है। ये सिर्फ एक नज्म के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ क्योंकि ये जो प्रोग्राम हो रहा है डिलक्स स्पोर्टिंग क्लब के जो अहम रुकन और बड़े जिम्मेदारों में हैं, बड़े मुतहर्रिक हैं, फाल हैं, बड़े एक्टिव हैं, ये दानिश साहब हैं, जिनुरैन साहब हैं और उनके दोस्तों की तरफ से इन्हीं लोगों की कोशिश का नतीजा है जो ये नातिया मुशायरा हो रहा है। भाई कमेटी वाले तो गुजारिश है कि एक बाटल पानी दे दें, शायरों का गला सूख रहा है। ऐसा ना हो भाई करबला का मैदान न बन जाए। तो इमरान सागर साहब ने एक खूबसूरत सी नज्म डिलक्स स्पोर्टिंग क्लब जो फुटबॉल की टीम है उसके लिए लिखी है, तो मैं उसके लिए दो तीन बंद उसके तीन चार बंद में लेकर हाजिर हो गया हूँ। इंशाल्लाह मुझे कोशिश करूंगा कि बहुत कम वक्त में प्रोग्राम सिमट जाए क्योंकि हर शायर को सिर्फ एक ही कलाम पढ़ना है। उसके बाद मुशायरा जब आखिरी शायर मुशायरे का पढ़ चुका होगा तो जिसकी आप फरमाइश करेंगे उसे दोबारा पेश किया गया, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बहुत कम वक्त में बहुत कम शायर बचे हुए हैं, शायद गवर साहब हैं, आजाद साहिल साहब हैं और मुजाहिदुल इस्लाम साहब हैं और शाह खाली साहब हैं और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है खालिद साहब को अक्सर बाद में बुलाया जाता है, बहुत दिनों बाद ये दस्तयाब हुए हैं और मेरी कोशिश होगी कि बिल्कुल बीच में एक अच्छे वक्त में उन्हें आवाज दी जाए और वो खूब जी भर कर सुनाएं। तो मैं वो नज्म पेश कर दे रहा हूँ, हालांकि वो सुन नहीं मैं चाहता हूँ कि लेकिन भाई बच्चों के हौसला अफजाई के लिए, टीम के हौसला अफजाई के लिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। खिलाड़ी कहाँ है, बस दो ही है भाई, खिलाड़ी पैसा ले खड़े हो जाए और दूर हो तो मेरा फोन पे नंबर नोट कर ले, फोन पे से कर दे। तेज रो तूफान है कि तेज रो तूफान है डिलक्स स्पोर्टिंग क्लब, फखर आहनी चट्टान है डिलक्स स्पोर्टिंग क्लब, आहनी चट्टान है डिलक्स स्पोर्टिंग क्लब। बहुत तुमका भी भाई जितना बहुत बढ़ाए, बेस थोड़ा बढ़ाए और ये सदरे सदर साहब मौलवी एहसानुल्लाह साहब जो इस टीम के सदर हैं उनकी खास दुआएं चाहते हुए पेश कर रहा हूं समाज फरमाए। और वजाहत कर दूं कि हर जगह दुआ से मुराद दुआ ही नहीं होती है, समाज फरमा ले कि तेज रो तूफान है और इससे टक्कर किसने ली है खेल के मैदान में, इससे टक्कर किसने ली है खेल के मैदान में, मुबतला वो हो गया है खौफ के तूफान में, अच्छे अच्छों को पिछाड़ा इसने हिंदुस्तान है, अच्छे अच्छों को पछाड़ा इसने हिंदुस्तान में, जीत का उनवा फखर हिंदुस्तान है डिलक्स जिंदाबाद जिंदाबाद ताबिस रेहान जिंदाबाद, चट्टान है डिलक्स स्पोर्टिंग क्लब। बहुत बहुत शुक्रिया,
सदर मोहतरम साहब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया कि फख्र हिंदुस्तान है ये जबरदस्ती में इनाम दिलवाया गया है। बहरहाल तो ये तो मुफलिसी में आटा गिला बेचारे इमरान सागर साहब ने नज़्म लिखी भी है, फ्री में लिखी है और ऊपर से इनाम भी देना पड़ रहा है। बहरहाल वो आ जाएगा वापस, घबराए नहीं आप, जब मैं दूंगा तब ना जाएगा वापस, मैं ले लूंगा। कि अपने आहने चट्टान है फुर्त से मामर है इसके खिलाड़ी किस कदर शेर की तरह झपट पड़ते हैं ये फुटबॉल पर दौड़ इनकी चीत की है बाज की इनकी नजर बाज लवा की है बाज की इनकी नजर जीत का उन्वान है डीलक्स स्पोर्टिंग क्लब आहनी चट्टान है डीलक्स स्पोर्टिंग क्लब। थोड़ा आवाज मोटी करो थोड़ा इसका बेस बढ़ा के आहनी चट्टान के बैगी है इस टीम के या लोहे की दीवार है क्या बात है समाधान हमारे टीम के या लोहे की दीवार है। अरे भाई कम से कम मोहल्ले वाले तो सुभान अल्लाह वाह वाह कर सकते हैं, सुभान अल्लाह माशाल्लाह वाह वाह नहीं करते, हाय हाय कीजिए लेकिन कुछ कीजिए आप लोग। क्या बात है, ऐसा ना महसूस हो कि मैं कब्रिस्तान बोल रहा हूँ। हाँ वाह बहुत बहुत देखिए दूसरे मोहल्ले के लोग आपकी टीम के लिए वाह वाह करें, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मोहल्ले वाले खामोश हैं, समाज फरमाए थोड़ी सी बेदारी पैदा करें, ऐसा ना महसूस हो कि मैं कब्रिस्तान में पढ़ रहा हूँ। कि बैगी है इस टीम के या लोहे की दीवार है फॉरवर्ड इसके सभी फुर्तीले हैं होशियार हैं सेंटर से खेलने वाले बहुत दमदार हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद खेलने वाले बहुत दमदार हैं किस कदर बलवान है डीलक्स स्पोर्टिंग क्लब आहनी चट्टान है डीलक्स स्पोर्टिंग क्लब। और खास तौर से उबैद साहब आपकी तौजे चाहूंगा समाप्त कर, मैं बताओ कि फील्ड में कांटे बिछे हो या के मखमल हो पड़े चेहरे पर कुछ खौफ हो ना माथे पे कुछ बल पड़े ये खिलाड़ी बाल लेकर चल पड़े तो चल पड़े जिंदाबाद जिंदाबाद ताबिश रिहान जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है ताबिश भाई, दानिश भाई ने जब नोट दिया तो बहुत खुशी हुई लेकिन कान में जो जो कुछ कहा बहुत दुख हुआ, लेकिन ये नहीं बताऊंगा क्या कहा है। कि फील्ड में कांटे बिछे हो या के वो मखमल पड़े चेहरे पर कुछ खौफ हो ना माथे पे कुछ बल पड़े ये खिलाड़ी पाल लेकर चल पड़े तो चल पड़े हम सभी का मान है डीलक्स स्पोर्टिंग क्लब आहनी चट्टान है डीलक्स स्पोर्टिंग क्लब। और खास तौर से मैं अपने मोहल्ले के तमाम बड़ों की बुजुर्गों की दुआएं चाहूंगा, ये बात पूरे मऊ में मशहूर है कि जब डीलक्स स्पोर्टिंग क्लब का मैच होता है उसका खेल होता है तो सबसे ज्यादा जो सामीन पहुंचते हैं किसी टीम को अपने इलाके का सबसे ज्यादा सपोर्ट और ताउन मिलता है तो मतलब प्यारे पूरा की तरफ से डीलक्स स्पोर्टिंग क्लब वालों को मिलता है, पूरे मऊ में ये बात मशहूर है। मैं तमाम बुजुर्गों की दुआएं लेते हुए बंदे खुश करना हूँ समाप्त फरमाए, देखेंगे बिल्कुल आप लोगों की भी मैं दुआएं चाहूंगा कि इसमें शामिल है बुजुर्गों की बहुत कुर्बानियां। अनवारुल हक साहब, इरशाद अहमद साहब, जफर शाह और बहुत से नाम है जो इनके पीछे हैं समाप्त फरमाए कि नस्ल नो को बख्श है इस टीम ने जौलानियां
इसके जौहर से सभी को होती है हैरानियां। धड़कने इमरान है, धड़कने इमरान है, दिल से स्फोटिंग कलब आहनी चट्टान है, दिल से स्फोटिंग कलब हमारे मोहम्मद नईम साहब की तरफ, जज़ाकअल्लाह मुजाहिदुल इस्लाम साहब की तरफ से माशाल्लाह। देखिए मुजाहिदुल इस्लाम साहब की तरफ से 2 रुपए का 200 का नोट आया है, लेकिन मुझे डर हुआ कि फिर न कान में कुछ कहे, लेकिन उठे नहीं। अल्लाह ताला बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और समाप्त करते रहिए। हुक्म हुआ फिर पेश करते रहूं, समाप्त फरमा ले। जी जी इसमें शामिल है बुजुर्गों की बहुत कुर्बानियां, नस्ल नो को बख्श है इस टीम ने जौलानियां, इसके जौहर से सभी को होती है हैरानियां। धड़कने इमरान सागरी, धड़कने इमरान है, दिल से स्फोटिंग कलब आहनी आहनी चट्टान है, दिल से स्फोटिंग कलब। ये तो अलग से ज़िमनन ये बातें हुई, ये कलाम पढ़ा गया। अब आइए यहाँ से नातिया मुशायरे को अपना नातिया मुशायरा बना दीजिए और इस मुशायरे को मुशायरा बना दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं माइक को तारिक उमर मारूफी साहब के हवाले कर रहा हूँ। शाहिद गवर साहब तशरीफ ला चुके हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की मोहब्बतें रही तो प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। असमात बस आप लोग जी कुछ हाँ। और बस मुख्तसर शायर बचे हैं और हर शायर सिर्फ एक कलाम पढ़ेगा, उसके बाद दूसरे दौर में जिस शायर को आप कहेंगे इंशाल्लाह उन्हें मैं मदऊ करूंगा। आइए तारिक। माशाल्लाह डिलेक्स स्पोर्टिंग क्लब के हवाले से आली जनाब ताबिस रहान ने बहुत उम्दा तारीफ की उनकी और आली जनाब इमरान सागर साहब ने ये कलाम लिखा था। आप चंद शेर पढ़ता हूँ। हजरते ग्रामी कुछ लोग तालियां बार बार बजा रहे हैं। आपसे कह रहा हूँ कि ये एक नातिया प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ठीक है। जिस वक्त आली जनाब ताबिस रहान साहब अपना कलाम पढ़ रहे थे, आप उनके कलाम पर दादो तहसीन में स्पोर्टिंग क्लब के हवाले से आप तालियां बजा रहे हैं, लेकिन अब ये मुशायरे का हिस्सा नहीं है।